Take full responsibility for Thugs not working with the audience. I think we went wrong, but I would like to take full responsibility for that. जी हाँ, ये हैं आमिर खान साहब जिनकी हाल ही में फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान रिलीज हुई, लेकिन इन्होंने ले ली है फिल्म के फेल्योर की पूरी जिम्मेदारी। क्या कहते हैं आमिर खान, सुनिए आप खुद। Take full responsibility for ठग्स not working with the audience. I think we went wrong, but I would like to take full responsibility for that. You can be sure that we tried our level best. हमने कोशिश पूरी की, कोशिश में कोई भी कसर नहीं छोड़ी हमने, लेकिन कहीं ना कहीं हम गलत गए। कुछ लोग हैं जिनको फिल्म पसंद आई है और उनका हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, और हमें खुशी है कि कुछ लोगों को पसंद आई है, लेकिन वो बहुत माइनॉरिटी है। ज़्यादातर लोगों को भाई क्या करता हूँ पसंद नहीं आई हमारी, और इस बात का हमें एहसास है। तो यकीनन कहीं ना कहीं हम गलत रहे, और मैं उस बात की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। आई है मेरी फिल्म देखने के लिए, मैं उसको आई वॉन्ट टू अपोलोजाइज टू देम ऑल्सो कि इस दफ़ा मैं उनको वो एंटरटेन नहीं कर पाया। कोशिश हमने पूरी की थी, लेकिन जो लोग इतने एक्सपेक्टेशन से आए उनको मज़ा नहीं आया। तो आई एम फीलिंग वेरी बैड दैट वी वर नॉट एबल टू एंटरटेन। यार ये सारी चीज़ें मैं आई एम नॉट कम्फर्टेबल कि मैं पब्लिकली बोलूँ, क्योंकि मैं अपनी फिल्मों के बहुत नज़दीक होता हूँ, और जैसे हमारे लिए बच्चा होता है ना, वैसे मेरी फिल्में होती हैं। तो वो नाकामयाब भी होना वो मेरी है, मेरी बच्ची। वेल आई थिंक दैट एन ऑडियंस इज फ्री टू यू नो से वॉट दे वॉन्ट टू से अबाउट इट, दे आर फ्री टू से वॉट दे वॉन्ट टू से अबाउट इट। व्हाट आई कैन से इज दैट वी सर्टनली ट्राइड आर लेवल बेस्ट, एंड आई एम फीलिंग वेरी बैड दैट वी डिडंट सक्सीड इन एंटरटेनिंग द ऑडियंस। नेक्स्ट टाइम वी ट्राई हार्ड। द चाइना रिलीज विल बी हैपनिंग नेक्स्ट मंथ, so certainly let's see what happens. Amir, what do you think, what went wrong, particularly in direction of that night? Again, I won't want to discuss that publicly. बिल्कुल सही सुना आपने, आमिर खान साहब ने अपनी गलती मानी है। उन्होंने कहा है कि बहुत कम ऑडियंस है जिसे फिल्म पसंद आई है, उनको थैंक यू, लेकिन ये परसेंटेज बहुत कम है लोगों को हमारी फिल्म पसंद नहीं आई, और हमें इस बात का एहसास है। फिर से सुनिए किस तरीके से आमिर खान साहब अपनी फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की असफलता की पूरी तरीके से जिम्मेदारी ले रहे हैं। But I would like to take full responsibility for that. You can be sure that we tried our level best. हमने कोशिश पूरी की, कोशिश में कोई भी कसर नहीं छोड़ी हमने, लेकिन कहीं ना कहीं हम गलत गए। कुछ लोग हैं जिनको फिल्म पसंद आई है और उनका हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, और हमें खुशी है कि कुछ लोगों को पसंद आई है, लेकिन वो बहुत माइनॉरिटी है। ज़्यादातर लोगों को क्या करता पसंद नहीं आई हमारी, और इस बात का हमें एहसास है। तो यकीनन कहीं ना कहीं हम गलत रहे, और मैं उस बात की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। आई है मेरी फिल्म देखने के लिए, मैं उसको आई वॉन्ट टू अपोलोजाइज टू देम ऑल्सो कि इस दफ़ा मैं उनको वो एंटरटेन नहीं कर पाया। कोशिश हमने पूरी की थी, लेकिन जो लोग इतने एक्सपेक्टेशन से आए उनको मज़ा नहीं आया। तो आई एम फीलिंग वेरी बैड दैट यू आर नॉट एबल टू एंटरटेन। यार ये सारी चीज़ें मैं आई एम नॉट कम्फर्टेबल कि मैं पब्लिकली बोलूँ, क्योंकि मैं अपनी फिल्मों के बहुत नज़दीक होता हूँ, और जैसे हमारे लिए बच्चा होता है ना, वैसे मेरी फिल्में होती हैं। तो वो नाकामयाब भी होना वो मेरी है, मेरी बच्ची। वेल आई थिंक दैट एन ऑडियंस इज फ्री टू यू नो say what they want to say about it. They are free to say what they want to say about it. What I can say is that we certainly tried our level best, and I'm feeling very bad that we didn't succeed in entertaining the audience. Next time we'll try hard. The China release will be happening next month, so certainly let's go and see what happens. I mean, what do you think what went wrong? Again, I won't want to discuss that publicly.
बताते चलें कि तकरीबन 16 से 17 दिन हो गए फिल्म को रिलीज हुए, लेकिन इसने अब जाकर कहीं पर 150 करोड़ के आसपास की कमाई की है। फिल्म को लेकर बहुत सारी उम्मीदें थी। कटरीना कैफ, अमिताभ बच्चन, फातिमा सना शेख और आमिर खान स्टारर इस फिल्म को लेकर लोगों में क्रेज था, लेकिन जैसी फिल्म रिलीज हुई फिल्म को खूब सारे नेगेटिव रिव्यूज मिले और ये हो गया फिल्म का हाल। लेकिन फिलहाल आमिर खान ने अपनी फिल्म की असफलता की पूरी जिम्मेदारी ली है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही।